नहीं होंगे, उनको उनका निषेध नहीं किया जा सकता, परंतु संयम में रहते हुए अनुचित कार्य में नहीं विचरना शांति कर्म करने का परिणाम है। निश्चय से जब वह मननशील मनुष्य इंद्रियों के विषयों में निमग्न नहीं होता, तब वह संकल्पों का त्यागी योगारूढ़ कहा जाता है। इंद्रियों को संयम में रखने वाला योग पर आरूढ़, चढ़ा हुआ व स्थिर समझा जाता है। मन को वश करना, अगर मन को वश ना किया जावे, मन तो बहुत कुछ करता है, और अगर मन के पीछे हो गए तो अनुचित कार्य करेगा, अनुचित कार्य आत्मा के लिए घातक हो जावेंगे, इस लोक में भी हानि होगी और उस लोक में आत्मा की हानि हो जावेगी। मन को वश करना और प्रशांत चित रहना भी योगारूढ़ के चिन्ह है। योगारूढ़ की अवस्था में स्थिर बुद्धि मनुष्य के सदृश ही है। आत्म कल्याण की इच्छा से अब प्रत्येक कार्य जो मननशील है, जो भगवान की इस वाणी को जान करके अपनी आत्मा की कल्याण, अब उसका प्रत्येक कर्म आत्मा का कल्याण हो, मेरी आत्मा की हानि ना हो जावे, मुझे और जन्म ना लेना पड़ जावे, मेरे ऊपर बंधन ना पड़ जावे, इस बात की चिंता करता है। अब वह जो मन करता है, इंद्रियों की इच्छा होती है, अब वह सड़े गले फल की तरह उस कर्म का त्याग कर देता है कि ये मेरी आत्मा के लिए घातक हो जाएगा। आत्म कल्याण की इच्छा से कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करना, सब कर्मों को परमेश्वर अर्पण करके करना और सभी कर्तव्य ईश्वरीय नियम मानकर करते रहना योग है। अनंत आत्मा के साथ सम्मिलन है निष्काम कर्म। उस अनंत आत्मा परमात्मा के साथ मिलने का ये एक ढंग है। इस योग से आत्मा का उद्धार हो जाता है, अब कुछ शेष नहीं रह जावेगा, आत्मा का उद्धार हो गया। एक बार आत्मा उसके प्रवेश कर गया, उस धाम में परमात्मा में प्रवेश कर गया, फिर वह उस धाम को कदापि नहीं छोड़ता। यह भाव दर्शाते हुए महाराज ने कहा, ऐसा योगी अपने आत्मा से अपने आत्मा का उद्धार करे, आत्मा को अधोगति को ना ले जाए। निश्चय पूर्वक आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। आत्मा के दो रूप परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने वर्णन किए। प्रत्येक मानव दो आत्माएं एक होते हुए भी, एक है व्यवहारिक आत्मा, एक है परमार्थिक आत्मा। एक आत्मा मानव को बताता है कि ये कर्म तुझे करना चाहिए, और जब वह शुभ कर्म पुण्य कर्म वह मानव करता है तो व्यवहारिक आत्मा और परमार्थिक आत्मा ये दोनों एक हो करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। अब एक व्यवहारिक आत्मा, उसने बता दिया क्या कि अगर तू ये कर्म करेगा, अंदर से आवाज आती है मानव को, अंदर से भाव आते हैं, ये कर्म तेरे लिए गलत है, ये तू कर्म ना कर, तेरी बहुत बेइज्जती होगी, तेरे को हानि होगी, लोगों के अंदर तेरा अपयश होगा, ये तू काम ना कर, अथवा ये कार्य करने से तेरे को हानि अधिक हो सकती है। परंतु मानव उसको उस आवाज को, उस भाव को मानने से इनकार कर देता है, पता है कि ये गलत है फिर भी करता है। तब वह व्यवहारिक आत्मा, वह परमार्थिक आत्मा बाहर हो जाता है, क्योंकि वह गलत का साथ नहीं देता।
अब गलत कार्य करते हुए जो डर है, भय है, चिंता है, एक वह आत्म भाव निकलते ही वह अपना घर कर लेवेंगे भीतर, क्योंकि बिना आत्मा के मानव का शरीर नहीं चल सकता, उसकी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां काम नहीं कर सकती, परंतु वह निर्लेप परम सूक्ष्म तत्व आत्मा, परम पावन, परम पवित्र, उस बुरे कर्म में भीतर रहना नहीं पसंद करता। वह आत्मा शरीर से बाहर हो जाता है। अब तू कितने भी अनुचित कर्म करता रहा है, अब तुझे नहीं रोकेगा, क्योंकि वह भाव ही बाहर हो गया। तब भगवान ने कहा, आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अगर तुम मान लिया तो दोनों ये भाव आत्मा के वह है एक ही, परंतु उसकी विभाजन है, काम करने के ढंग है। अगर तो शुभ में पुण्य कर्म में कर रहा है तो तेरा वह साथ देंगे। अब तेरे अंदर शुभ कर्म करते हुए, पुण्य कर्म करते भय नहीं होगा, प्रसन्नता होगी। उलट कर्म करते हुए भय होगा और अशांति होगी, डर होगा, जो तेरे लिए घातक इस शरीर के लिए भी और आत्मा के लिए हो जाएगा। उस मनुष्य का आत्मा, आत्मा का बंधु है जिसने अपने आत्मा से जीत लिया है, जिसने अपने विवेक विचार से, आत्मा मन भी बनता है, आत्मा विचार भी बनता है, जिसने अपने विवेक विचार से अपने आत्मा को जान लिया है, अनात्मा के आत्मा को ना मानने वाले नास्तिक के शत्रुपन में उसका आत्मा ही शत्रु की भांति वर्तता है, उल्टे कर्म करता है। क्योंकि जब तक आत्मा नहीं भीतर रहेगी तो शरीर काम नहीं कर पाएगा। आत्मा सारी बाहर हो गई तो शरीर डेड बॉडी हो जाएगा। अब आत्मा उसके वे बुरे कर्म उस आत्मा के लिए घातक हो जाएंगे। कई जन्म भय कीट पतंगा कीड़े मकोड़े की चुनी में अब शरीर को ले जाएगा, आत्मा को वह चोला पहना देवेगा। आस्तिक भाव, आत्म सत्ता का पक्का विश्वासी, आत्म चिंतन, श्रद्धा, भक्ति आदि भावों से भावुक जन का आत्मा ही अपना बंधु और हितकारी बन जाता है। आस्तिक भाव, शुभ कर्म उसका हितकारी बन गया, और संशय से, अश्रद्धा से, आत्म सत्ता के अविश्वास से, परमात्मा का निश्चय ना रखने से, कर्महीनता से, नास्तिक बुद्धि के शत्रुपन से, नास्तिक का अपना आत्मा ही अशुभ कर्मों के कारण उसका शत्रु होकर रहता है। जो जन अपने आप में निश्चय नहीं रखता, वह आप ही अपने साथ शत्रुता करता है। जिसने अपना आत्मा जीत लिया है, ऐसे सर्वथा शांत मनुष्य का ऊंचा आत्मा शीत उष्ण सुख दुख में तथा मान अपमान में समभाव में बना रहता है, अथवा ऐसे जन के अंतःकरण में परमात्मा विराजमान होता है। जो मनुष्य ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा है, अपने स्वरूप के निश्चय में अचल है, भली प्रकार जितेंद्रिया है, जितेंद्रिया अपनी इंद्रियों को जीतने वाला, अपनी इंद्रियों के वशीभूत ना होने वाला, भली प्रकार जितेंद्रिया है और मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में सम है, ना तो मिट्टी धरती साथ जानी है, ना धन दौलत साथ जाना है, ये दोनों ही कोई भी आत्मा का मंगल कल्याण करने में साधन नहीं है। पर वस्तु में जिसे लोभ लालच नहीं है, अब वह आत्मा को अपने
अपने गंतव्य तक पहुंचाने में, वह उस दूषित फल का त्याग करता है कि मेरी आत्मा का नाश ना होवे। जिस प्रकार वह गला सड़ा फल नहीं खाता, इसी प्रकार गलत कार्य भी नहीं करता। गला सड़ा फल खाने से शरीर रोगी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, और बुरा कृत करने से आत्मा अधोगति को चला जाएगा, उसका नाश हो जाएगा, वह कीड़े मकौड़े की जूनी में चला जाएगा। इसलिए इस विवेक से वह ना तो कोई लोभ करता है, ना लालच करता है, अपना कर्तव्य कर्म करता है और अपनी कमाई में संतुष्ट है, अपनी कमाई में संतुष्ट है, और चाहिए और चाहिए, अनुचित कार्य नहीं करता और धन को उपार्जन करने के लिए गलत रास्ते पर नहीं जाता। वह योगी ऐसा युक्त ऐसा कहलाता है, उसको कर्म योग युक्त है, परमेश्वर में रहता है ऐसा कहा जाता है। जो परमेश्वर प्रायण जन हार्दिक स्नेही में, मित्र में, शत्रु में, निष्पक्षपाती में, मध्यस्थ में, द्वेषी में, बंधु में, साधु में और पापी में समबुद्धि है, वह श्रेष्ठतर है। और क्या करते हैं मानव को यह नहीं देखता, मैं क्या करता हूं, अपने कर्मों का निरीक्षण।